सो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा एंटीजन प्रेजेंटेशंस के बारे में कि कैसे टी सेल हेल्प करता है तो फॉरेन एंटीजन को इम्यून सेल के सामने उसको प्रेजेंट करने में. नाउ इन दिस वीडियो हम लोग कैसे इफ अ लार्ज प्रोटीन है, कंसीडर करते हैं कि एक लार्ज प्रोटीन विच एक्ट एज अ एंटीजन के फॉर्म में क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, तो उस लार्ज प्रोटीन को कैसे प्रोसेस किया जाता है और कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन कहां से आया है, अगर इफ द प्रोटीन्स आर जनरेटेड इनसाइड द बॉडी, अगर इनसाइड द बॉडी से जनरेट हुआ है एंड वो एक्ट हमारे इम्यून सेल को डेवलप क्या बोलते हैं एक्टिवेट कर रहा है. बिकॉज अगर वो प्रोटीन हार्मफुल है तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में इम्यून सेल करती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ एंटीबॉडी जो प्रोसेसिंग है वो दो टाइप के हैं. पहला, अगर वो इनसाइड ही एंडोजीनियस रहे, मतलब अगर एंटीजन जो है, जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है वो इंडोजीनियसली हो रहा है, इनसाइड द सेल से ही हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोजीनियस पाथवे के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं. नाउ दिस एंडोजीनियस पाथवे विच इज ऑल्सो नोन एज अ साइटोसोलिक पाथवे. बिकॉज जो पूरा रिएक्शन है, जो पूरा प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन का जो रिएक्शन है वो साइटोसोल में होता है, इसलिए इसको एंडोजीनियस पाथवे या फिर साइटोसोलिक पाथवे बोलते हैं. नाउ इफ जो प्रोटीन सोर्स है वो क्या है, फॉरेन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इफ फॉरेन एंटीजन, फॉरेन प्रोटीन्स आर देयर, उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग एक्सोजीनियस पाथवे का यूज करते हैं. नाउ ये एक्सोजीनियस पाथवे क्या है, इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस इन दिस वीडियो हम लोग एंडोजीनियस पाथवे, इफ द प्रोटीन सोर्स आर इनसाइड द बॉडी तो हम लोग उसके लिए एंडोजीनियस पाथवे को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. नाउ द प्रोटीन जो है, अब ये प्रोटीन इनसाइड प्रोटीन कैसे जनरेट होता है, तो पहले ये क्वेश्चन आया जाता है कि इनसाइड कैसे जनरेट होता है. तो इफ एनी सेल है, कोई सेल है, अब इफ सेल्स आर इन्फेक्टेड विथ एनी बैक्टीरिया या एनी पैथोजेंस, कोई पैथोजन से क्या हुआ, वो इन्फेक्ट हुआ है, तो ये क्या करता है, ये ऐसा प्रोटीन जनरेट करता है जिससे क्या होता है, इम्यून सेल क्या होता है, डेवलप होता है, इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं. तो इसलिए इसको, उस प्रोटीन को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस एंडोजीनियस पाथवे का यूज करते हैं जिसको हम लोग साइटोसोलिक पाथवे बोलते हैं. नाउ अब ये पूरा प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, दीज आर द एंटीजन्स, समझो ये एंटीजन है या प्रोटीन है. अभी ये प्रोटीन, अगर कोई प्रोटीन है विच आर टैग्ड विथ यूबीक्विटिन, एक स्मॉल प्रोटीन से जिसका नाम है यूबीक्विटिन, अगर इससे वो टैग होता है, यहां पे मैंने रेड कलर में दिखाया, तो ये एंटीजन प्रोटीन अगर इस यूबीक्विटिन से क्या होता है, वो टैग्ड होता है, तो बॉडी के अंदर, तो सेल्स के अंदर जो नेक्स्ट है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटियोसोम्स. अब ये प्रोटियोसोम क्या करता है, कोई भी प्रोटीन विच आर टैग्ड विथ यूबीक्विटिन उसको क्या करता है, वो डिग्रेड करता है, क्योंकि यूबीक्विटिन ये सिग्नल देता है कि अरे भाई ये प्रोटीन जो है, नाउ इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, ये इम्यून सेल्स को जनरेट करेगा. तो अगर कोई भी प्रोटीन यूबीक्विटिन से टैग्ड है, यूबीक्विटिन एक स्मॉल प्रोटीन होता है, अगर उससे वो टैग यूबीक्विटिन से बाइंड है, टैग्ड है, तो प्रोटियोसोम क्या करता है, इस प्रोटीन को डिग्रेड करता है. नाउ अब ये प्रोटियोसोम कैसे करता है, तो थोड़ा प्रोटियोसोम के बारे में देखते हैं. ये प्रोटियोसोम क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है. नाउ ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी एंजाइम, इसमें पेप्टिडेज होते हैं, फॉस्फेटेज होते हैं, एसिडेज होते हैं, जो क्या करते हैं, उस पूरे प्रोटीन को स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड में क्या करते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, जिसका साइज अराउंड 15 अमाइनो एसिड, इतना उसके पेप्टाइड में क्या करते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको डिग्रेड कर देते हैं. नाउ
एंड प्रोटीन था ना, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीजोम ये क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। अभी ये जो डिग्रेडेड प्रोटीन है ये क्या होना चाहिए, इसको हम लोग प्रेजेंट करना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर ये प्रोटीन है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कि भाई ये इन्फेक्ट हो गया है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें उसको प्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, वो एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू बाइंड विद एमएससी सेल, बिकॉज टी सेल कभी उसको रिकॉग्नाइज करेगा, जब जो एंटीजन है वो किसी एमएससी वन एमएससी टू के द्वारा क्या होगा, वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो इट इज नेसेसरी कि ये जो पेप्टाइड है ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टेररिस्ट है, हमने एक टेररिस्ट अगर उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई ये टेररिस्ट है, तो नाउ व्हाट वी डू, हम लोग उसके पोस्टर्स लगाते हैं कि हर जगह जगह पे क्या करते हैं, उसके पोस्टर्स लगाते हैं। तो सेम वर्क इट डज, प्रोटीजोम ने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डिग्रेड कर दिया। नाउ इस स्मॉल पीस, इसका हम लोग पोस्टर हम लोग क्या करेंगे, पूरे सेल मेम्ब्रेन पे हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो इम्यून सेल्स अदर सेल्स हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे कि भाई ये कहीं पर बंदा दिखेगा, इसको हमें टैकल करना है। तो सेम वे से ये जो पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड क्या होता है, इट इंटर्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्या करता है, इंटर करता है। नाउ ये जो इंट्री है, ये इंट्री भी एक स्पेसिफिक पोर से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैप। टैप इज अ ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस पेप्टाइड को एमएससी के अंदर क्या करते हैं, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के अंदर क्या करते हैं, उसको एंट्री देते हैं। तो क्या हो गया, प्रोटीन था, डिग्रेड हुआ, डिग्रेड होने के बाद क्या हुआ, उसका पेप्टाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो गया, वो आ गया। अब देखो आगे क्या होता है, नाउ देयर आर सम चैपरोनिन, चैपरोन्स आर देयर, दे आर कैलरेटिकुलम, कैलनेक्सिन, ईपीआर 57, ये सब क्या होते हैं, दीज आर चैपरोन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, एंड दिस पेप्टाइड जो इंट्री हुआ है, नाउ इट्स बाइंड टू एमएचसी मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया, ये एमएचसी मॉलिक्यूल पे, एमएचसी वन मॉलिक्यूल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे था, उस पे क्या होता है, ये बाइंड हो जाता है। नाउ बाइंड होने के बाद क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गॉल्गी बॉडीज के थ्रू क्या होता है, वो मूव होता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा की तरफ मूव करता है, एंड क्या होता है बाद में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। सो बाय दिस वे जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुआ था एंडोजीनियसली, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये था पूरा, ना हम लोग समराइज कर लेते एक बार। तो ये बेसिक पांच स्टेप है होते हैं, जैसे पहला प्रोटीजोम डिग्रेड प्रोटीन टू पेप्टाइड। तो पहला प्रोटीजोम क्या करता है, इस प्रोटीन को जो कि टैग्ड था यूबीक्विटिन से, उसको डिग्रेड करता है। सेकंड, देन टैप मूव्स पेप्टाइड इनटू ईआर। सेकंड क्या होता है, ये टैप प्रोटीन है, ये क्या करता है, इस पेप्टाइड को एंट्री देता है इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, पेप्टाइड एसोसिएटेड विद एमएससी वन, एक बार एंट्री लेने के बाद क्या होता है, दिस पेप्टाइड्स आर एसोसिएटेड विद एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल, एंड देन पेप्टाइड विद एमएससी गोज इनटू द गोल्गी बॉडीज, एंड गोल्गी बॉडीज से पेप्टाइड पासेस विद एमएससी फ्रॉम गोल्गी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सो बाय दिस वे एंडोजीनियस जो प्रोटीन है उसका प्रेजेंटेशन होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एंडोजीनियस पाथवे, जिसको हम लोग साइटोसोलिक पाथवे बोलते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग एंटीजन प्रेजेंटेशन का जो एक्सोजीनियस पाथवे है, जो बाहर से कोई प्रोटीन आता है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, हम लोग वो देखने वाले हैं। सो फॉर मोर वीडियो स्टे विथ अस, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।